देश भर में ऑक्सीजन संकट के बीच मुंबई मॉडल की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था बीएमसी मॉडल का जिक्र। बीएमसी ने पहले ही लगा दिए थे ऑक्सीजन प्लांट। पिछले साल ही अस्पतालों में बड़े ऑक्सीजन टैंक बनाए गए। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 24 विभागों में कोऑर्डिनेशन किया गया और इसके अलावा कुछ बड़े सिलेंडर्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई में किल्लत उस तरह से नहीं देखने को मिली जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा, लखनऊ में देखा, देश के दूसरे हिस्सों में देखा। आइए आपको बताते हैं कि यह मॉडल है क्या, क्यों कामयाब रहा। मुंबई के जिस ऑक्सीजन मॉडल की बात हो रही है, बीएमसी की जिसके लिए तारीफ हो रही है, वो मॉडल आपको जानना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं वो मॉडल है क्या। देखिए, माइक्रो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और बेहतर प्रबंधन, ये तीन चीजें हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत मुंबई में नहीं होने दी। कैसे, ये समझिए। कैसे ही मुंबई में और पहले ही इस चीज को भाप लिया गया था कि ऑक्सीजन की किल्लत या ऑक्सीजन की और ज्यादा जरूरत पैदा होने वाली है। बीएमसी ने पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लगाए और इसका फायदा मिला उनको। पिछले साल ही अस्पतालों में बड़े ऑक्सीजन टैंक्स का निर्माण किया गया ताकि उनकी क्षमता बढ़े। आपको बताते हैं कौन कौन से हॉस्पिटल हैं। कस्तूरबा हॉस्पिटल के एचबीटी ट्रॉमा केयर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। ट्रॉमा केयर सेंटर में 12 और जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आखिरी दौर में है और जब वो फंक्शनल हो जाएंगे तो और ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी वहां पर। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 24 विभागों में कोऑर्डिनेशन का काम किया गया। ये कोऑर्डिनेशन बेहतरीन तरीके से किया गया। कोऑर्डिनेशन के लिए अलग से 6 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए ताकि ये कमी ना होने पाए कि ऑक्सीजन नहीं है लोगों के पास। ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से लगातार संपर्क में रहे बीएमसी के अधिकारी और ये सुनिश्चित किया कि उन कंपनियों के पास भी लिक्विड ऑक्सीजन या वो माल मिलता रहे ताकि उनका ऑक्सीजन का काम, ऑक्सीजन बनाने का काम रुके नहीं। कंपनियों से अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। वो इस पूरे बात का ख्याल रख रही थी कि ऑक्सीजन अस्पतालों तक आराम से और जल्दी से पहुंचे। ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड की जानकारी वॉर रूम को देती है ये टीम, वहां पर जो बीएमसी का वॉर रूम है, और उसके बाद फिर मुंबई को कैसे ऑक्सीजन मिल रही है देखिए। मुंबई को रोजाना, केवल मुंबई को 235 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, केवल मुंबई को। और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से थोड़ी बहुत खबरें आई। ऐसी बात नहीं कि महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की कमी की खबर नहीं आई, लेकिन मुंबई से नहीं आई। बीएमसी का जहां तक जिम्मा है वहां नहीं आई और ये बड़ा कामयाब मॉडल माना जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन है इस पर, आइए आपको बताता हूं मैं। डॉक्टर संजीव शर्मा है ईएचईसी अस्पताल जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा है बॉम्बे अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। महेश तापसे हैं एनसीपी के प्रवक्ता हैं। संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। कुमार कुंदन को आप देख ही रहे हैं और अखिलेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अखिलेश, मैं अब आपके पास आऊंगा। अखिलेश, ये बीएमसी का मॉडल देखिए जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, जमीन पर क्या हालात हैं बताइए, कितना कामयाब है और इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी क्या इस बीएमसी मॉडल को अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल गौरव, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई मॉडल की जो तारीफ हो रही है, यहाँ पर कमिश्नर इकबाल चहल ने पहले ही इस आहट को भांप लिया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत होगी, जिसे लेकर वो बहुत ही संजीदा थे और पहले से उन्होंने ऑक्सीजन के जो टैंक है वो लगाने की शुरुआत कर दी थी। उसको रिफिलिंग किया जा रहा है और 12 जगह पे ऑक्सीजन प्लांट बनने वाला है। इसी तरह महाराष्ट्र में जो किल्लत आई थी, विदर्भ के क्षेत्रों में आई थी, ज़्यादातर वर्धा और नागपुर की तरफ आई थी, वहाँ भी अब ये किल्लत दूर हो गई है। उसके साथ ये नंदुरबार जो एक छोटा सा ज़िला है वहाँ की भी तारीफ हुई थी। वहाँ के कलेक्टर ने बहुत ही अच्छे से पहले से ही ऑक्सीजन का ऐसा प्लानिंग किया था कि आज तक वहाँ ऑक्सीजन कम नहीं पड़ी और मध्य प्रदेश और गुजरात का बॉर्डर माना जाता है वहाँ के लोग। लगातार खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, नंदुरबार ने अपने आप को एक मॉडल, जैसे पिछली कोरोना की लहर में भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही थी, वैसे इस बार बीएमसी और नंदुरबार मॉडल की तारीफ हो रही है। लेकिन महेश तापसे एनसीपी से हमारे साथ है, एनसीपी सरकार में शामिल है, तो जरा उनसे भी बात करते हैं। महेश तापसे, तो ये आप लोगों को कैसे लगा कि ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, या वो कौन सी आप लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस मिली कि आप लोगों ने पहले भापा इसको और फिर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया ताकि वो जो कमी हमें देश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिली वो मुंबई में नहीं दिखी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जो नेतृत्व है वो एक्सपर्ट एडवाइस का, प्रोफेशनल एडवाइस का बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो करती है।
जब हमारे पास मुंबई में सब पिछले साल जब कोरोना आया उसके बाद मुंबई के इलाकों में क्योंकि काफी डेंस इलाका है मुंबई शहर का और धारावी जैसे इलाकों में कोरोना की बाधा हुई और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और संपर्क मंत्री पालक मंत्री और पूरा बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने जिस प्रकार से इस चीजों को संभाला उसके बाद कोरोना का ग्राफ कम हुआ। लेकिन 2021 में फिर से आपने देखा कि सबसे पहले जो स्पाइक हुई जो सेकेंड वेव की जो स्पाइक थी सबसे पहले मुंबई और महाराष्ट्र में हुई। तो पूरे देश में जब लोगों को लग रहा था कि महाराष्ट्र का प्रशासन सो रहा है महाराष्ट्र का प्रशासन काम नहीं कर रहा तो उस समय हम इस सेकेंड वेव के साथ जूझ रहे थे। पहली वेव का अनुभव हमारे प्रशासकीय अधिकारियों का था डॉक्टर्स को था कलेक्टर कमिश्नर और सारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों को था। तो इसीलिए ऑक्सीजन के संदर्भ में एक भूमिका ली गई वो नंदुरबार जैसा पिछड़ा हुआ आदिवासी जिला क्यों ना हो या मुंबई जैसा एक प्रगत शहर क्यों ना वहां पे ऑक्सीजन के संदर्भ में प्रशासकीय अधिकारी ने भूमिका ली और उसके तहत जो हमारी रिक्वायरमेंट अभी लगभग हमारी 1500 मीट्रिक टन की है जिसमें से 1200 मीट्रिक टन हमको खुद की महाराष्ट्र की कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग की 250 टन हमको मीट्रिक टन अलग अलग राज्यों से मिल रहा है जो थोड़ा और बढ़ेगा अगर समझो 1500 आपके हिसाब से आपके ऑक्सीजन कितनी किल्लत नहीं है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।